अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। जब खाकी का रंग सही हो तो फिर चाहे उसे औरत पहने या मर्द, अपराधियों को उसकी औकात दिखाई देती है। फिल्म जय गंगाजल में लेडी पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाली प्रियंका चोपड़ा का ये डायलॉग ईमानदार पुलिस अफसरों पर सटीक बैठता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने ईमानदार पुलिस अफसर कहा है। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। यूपी पुलिस की कारगुजारियों के बारे में सुनकर आप थक गए होंगे, तो चलिए आपको गुजरात लेकर चलते हैं। वहां के सूरत शहर में एक बहुजन बेटी ने सत्ता के नशे में चोर मंत्री और उनके बेटे को हद समझा दी। તમે મને એમ કહો તમે બહાર આવ્યા કેમ આવ્યા? તમે કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છો એટલે તમને હક આપ્યો કે બહાર નીકળવાનું? જો કે એ સાહેબને મે ક્યારે અમે પાંચ જણા જાડો બંધ રાખને બે મારી જબે થોડો બંધ રાખ અમે જાણે કેમ પાંચ જણા કોરોના ફેલાઈ દીધો તમે તો થોડો બંધ રાખ કીધું ને બધા અગ્રેસિવ થઈ ગયા गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों की चर्चा आज पूरे देश में है। इन तस्वीरों में एक लेडी कांस्टेबल रात के अंधेरे में सड़कों पर मटर गश्ती करने निकले कुछ लड़कों को कानून का पाठ सिखा रही हैं। लेडी कांस्टेबल का नाम है सुनीता यादव और उनके सामने हैं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानाणी के बेटे। खबरों के मुताबिक शनिवार रात एक कार में कुछ लड़के बिना मास्क पहने मौसम का लुत्फ उठाने निकल पड़े। एक चौराहे पर सुनीता यादव ड्यूटी कर रही थी। सुनीता ने जब इन लड़कों को टोका तो उन्होंने सत्ता की धौंस दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जो बहुजन बेटी बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर वर्दी पहनती है वो कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद इन लड़कों ने अपने दोस्त प्रकाश कानाणी को फोन किया। प्रकाश कानाणी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानाणी के सुपुत्र हैं। दोस्तों ने मुसीबत में बुलाया तो प्रकाश कानाणी अपने पिता की MLA स्टीकर वाली गाड़ी लेकर पहुंच गए। प्रकाश कानाणी और सुनीता यादव के बीच बहस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात में कोरोना के चलते कर्फ्यू लगा है और रात 10 बजे के बाद सड़कों पर निकलने की मनाही है, लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे के दोस्तों को यही मुगालता था, लेकिन यहाँ लेडी सिंघम कानून तोड़ने वालों को माफ करने के मूड में नहीं थी। कुमार भाई कानाणी साहब ने फोन लगाड़ो, हमने तुमने परमिशन आपे बाहर निकलवानी, अरे गांडा जी रात्रि बाहर गए उभा छे, फोन लगाड़ो गुरु साहब ने, तुम्हारा फोन लगाड़ो, फोन लगाड़ो, तुम्हारा फादर ने खबर छे तुम अत्यारे यहां छो। जब प्रकाश कानाणी ने अपने पिता और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानाणी को फोन लगाया तो बहुजन बेटी ने मंत्री महोदय को भी कानून का सबक सिखा दिया और कह दिया कि सूबे की जनता की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री जी पहले अपने परिवार को तो मास्क लगाना सिखा दीजिए। ओके साहब, ओके साहब, ओके खाली एटलू कहवा मांगू छू, आपणे आप साहब आरोग्य मंत्री साहब छो એટલે સૌથી પહેલા તો આપણે દીકરો ને આપણા પરિવારના લોકો આપણે પહેલા તો શું કહેવાય આવી રીતે માસ્ક પહેરવાનું બહાર નીકળવાનું બધું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ખબર હોવી જોઈએ। ઓકે જી સાહેબ, બસ જી સાહેબ, જી સાહેબ, ઓકે ઓકે જી સાહેબ, બસ થેન્ક યુ સાહેબ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने सुनीता यादव को फोन कर डांट लगाई और मंत्री जी के रुतबे का सम्मान करने की नसीहत दी। इससे आहत होकर सुनीता यादव ने ऐसी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। अब सोशल मीडिया पर सुनीता यादव की बहादुरी और ईमानदारी की कहानी छाई हुई है। ट्विटर पर आई सपोर्ट सुनीता यादव ट्रेंड कर रहा है। फिल्मों में किसी ईमानदार पुलिसकर्मी की दिलेरी पर तालियां बजाने वाले लोग रियल लाइफ में बहुजन बेटी की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे के दोस्त बदतमीजी पर उतारू थे। देखिए कैसे ये आदमी कैमरे के सामने ही अश्लील इशारे कर रहा था, लेकिन सुनीता यादव ने इसकी अकल ठिकाने लगा दी। ओए
તું મોડું બંધ કરો મારી સાંભળો अब मामला खुला तो गुजरात पुलिस ने कुमार कानाणी के बेटे और उसके दो दोस्तों पर कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। कानून के पालन और खुद के आत्मसम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठाने वाली बहुजन बेटी सुनीता यादव को हम सलाम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल द शूद्र को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। मैं हूँ सुमित चौहान और कैमरे के पीछे मेरी सहयोगी हैं अजरा परवीन। जय भीम।